नमस्कार आदाब हफ्ते के बाद उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आर एस एस की व्याख्यान माला के विषय में और ये जिस समय पर हो रही है उसके तमाम संदर्भ क्या हैं दरअसल उर्मिलेश जी शो में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत, -बहुत स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि आर एस एस ने इस व्याख्यान माला के के दौरान अपनी एक बहुत नरम छवि सामने लाने की कोशिश की है तो क्या आपको लगता है कि आर एस एस अब बदल रहा है देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्नीस से है और ये समय समय पर ये अलग अलग रंग दिखाता रहा है तो ये कब क्या कहते हैं कब कैसे बिहेव करते हैं इनका चाल कैसा होता है चरित्र कैसा होता है चेहरा कैसा होता है जुमला कैसा होता है उसमें बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे वक्त वक्त पर जैसा वक्त आया वैसी बातें करते हैं आज ये लोग कांग्रेस पार्टी को नेहरू को न जाने किसको किसको सब को खारिज करते हैं मैं कोई कांग्रेस पार्टी का न तो प्रशंसक हूँ और न कांग्रेस पार्टी का आ, की विरासत को मैं 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 कह रहा हूँ कि उसकी आलोचना कोई ना करे लेकिन आज ये लोग नेहरू का नाम सुनकर भड़कते हैं लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की भी प्रशंसा ये लोग कर चुके हैं आप इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स अगर देखें खासकर आर से, से रिलेटेड उसमें बाला साहब देवरस जी जो उस वक्त सरसंग चालक थे उन्होंने इमरजेंसी के पक्ष में भी लेटर लिखा कि नई नई कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम आलोचना कर रहे हैं लेकिन अदरवाइज हम आपसे कुल मिलाकर उनका यह था कि हम आपसे बहुत खुश हैं वो मिलना भी चाहते थे मिसेस गांधी से और संजय गांधी से भी लेकिन मुलाकात का मौका किन्हीं कारणों से नहीं मिल सका तो हमारा ये कहना है कि मुलायमियत जो आज दिखा रहे इस समय तो वो सत्ता के सिंहासन पर हैं देखिए उस उस वक्त का दौर दूसरा था उस समय सत्ता पक्ष से को खुश करना चाहते थे आज ये स्वयं सत्ता पक्ष हैं तो अब इनके सामने यह है कि भाई हम कैसे अब हमारे बारे में एक समाज का बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि हम भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जो सो जो जो सेकुलर डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक धब्बा है और ये जो धब्बा मानने वाला मानने वाला सेक्शन है पहले छोड़ा छोटा था अब ये बढ़ता जा रहा है अगर हिसाब देखा जाए दो के पहले के चुनाव में तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद जो 2014 में इनसे प्रभावित हो गई थी वो डिसन मोहभंग का शिकार हो रही है और मोहभंग का शिकार हो रही है तो इनको ये लगता है कि इनके जो आलोचक थे वो बढ़ रहे हैं और उन आलोचकों के समर्थक भी बढ़ रहे हैं मुझे लगता है ये वो डर है जिसकी वजह से ये संवाद की पूरी प्रक्रिया इन्होंने इस बार शुरू की लेकिन ये भी एकालाप जैसा था संवाद कम एकालाप था आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आएंगे सवाल करेंगे लेकिन जो सवाल करने वाले लोग थे उसमें ज़्यादातर वही लोग थे जो आपसे मुग्ध थे या आपके भक्त थे तो ये मैं इसको संवाद के बजाय एकालाप आलाप कहूँगा आपने संवाद की बात करी और इस व्याख्यान से माला से पहले बहुत चर्चाएं भी हुई थी कि आरएसएस ने तमाम विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी बुलाया है बुलाया नहीं बुलाया वो एक अलग बात थी लेकिन वो चाह रहे थे कि सब लोग आए और हम लोग साथ मतलब एक बैठकर बातचीत हो तो ये जो एक नया गेम खेलने की कोशिश की कर रहे थे आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या बात रही है नहीं इसके पीछे बुनियादी तौर पे वही बात है कि चूंकि आरएसएस की जो इमेज है उसकी जो हिस्ट्री है उससे भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सेदार लोग हैं उनमें बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है उससे असहमत है और उसको डेमोक्रेसी के लिए एक चुनौती भी मानता रहा है और स्वयं आरएसएस ने भी कभी भी अगर देखा जाए उसने संविधान के प्रति डेमोक्रेसी के प्रति सेकुलरिज्म के प्रति साइंटिफिक टेम्पर के प्रति अपनी वचनबद्धता नहीं साफ की तो ऐसे में वो चाहते थे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी अपने पास आए लेकिन इसका उन्होंने मीडिया में प्रचार किया मुझे याद मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किसको किसको निमंत्रण दिया क्योंकि कांग्रेस या लेफ़्ट पार्टीज़ के नेता उनका नाम तो आया मीडिया में लेकिन ये तो नहीं दिखा कि कहीं निमंत्रण गया या निमंत्रण गया तो क्या गया उनका रिएक्शन तो तब सामने आता ना तो मुझे लगता है ये सब दिखावा था और दूसरी बात सोनाली जो मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई इसकी महत्ता नहीं है बिल्कुल है इन्होंने 1925 में से लेकर 1947 तक जो हालात थे या उसके बाद भी थे एक छोटा संगठन था एक बहुत ही सेक्टेरियन किस्म का जो भारत को अतीत में ले जाना चाहता है जो भारत को पीछे ले जाना चाहता है मनुस्मृति के दौर में आ, तो लेकिन आज वो संगठन इतना बड़ा हुआ है तो हम तो क्रेडिट देंगे उसके उसके संचालकों को कि उन्होंने लोगों में काम किया है उन्होंने लोगों को अपने गलत इरादों को भी खूबसूरत ढंग से पेश किया है उन्होंने अपने को छुपाया है उन्होंने जो वो हैं उससे बिल्कुल अपना अलग चेहरा दिखाने की कोशिश की है लोगों को तभी तो लोग इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जो उनका एक तरह से राजनीतिक मंच है उसको उन्होंने इतना वोट दिया हालांकि वोट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं है कि हम चौंकें लेकिन ठीक है सत्ता में जो आया उसको हम मानेंगे जो जीता वो सिकंदर तो आर की भूमिका निसंदेह मोबलाइजेशन के मामले में हम उसके महत्ता को नहीं अस्वीकार कर रहे हैं लेकिन यह मत भूलिए कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट जिसे आप कहते हैं भाई आप क्या हैं क्यों हैं आप क्या भारत की डेमोक्रेसी में आपका क्या अवदान रहेगा भारत के निर्माण में आपका क्या अवदान रहेगा आप क्यों नहीं साफ साफ कहते हैं आप कभी कुछ बोलते हैं प्रणब मुखर्जी के सामने आप दशा विजयादशमी के दिन कुछ आप बोलते हैं जो हर साल आप करते हैं आप अचानक संवाद करते हैं उसमें कुछ बोल देते हैं कभी आप बोलते हैं कि हम हिंदुत्व तो तभी है जब मुसलमान हैं लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इस देश में सबको हिंदू बनना पड़ेगा तो ये मुझे लगता है कि आरएसएस के अपने अंत विरोध हैं सबसे बेहतर होगा कि आर अपना संविधान पेश करे देश के सामने क्योंकि रूलिंग पार्टी उसका एक तरह से आउटफिट है वो अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करे कि वो क्यों है, क्या है उस क्या करना संगठन है, है ना। अभी से कुछ नहीं लेना देना। और अभी भी उन्होंने उसी बात को दोहराया लेकिन हम आ, कोई भी अगर भारत की राजनीति को सही तौर से देख रहा है वो जानता है कि इनकी राजनीतिक ताकत क्या है और वो दरअसल इस वक्त सत्ता में है तो इसको आप कैसे देखेंगे कि ये फिर देखिए अगर मैं आपकी बात समझ गया अगर ये सांस्कृतिक संगठन है तो क्या वो संस्कृति जो किसी भी निर्दोष बच्चे की हत्या करा देती है भीड़ आती है और उसकी टोपी देखकर उस पर उस पर हमला कर देती है उसकी भाषा देखकर उसकी बोली देखकर हमला कर देती है आप आ, आ, कोई आदमी किसी अपने जानवर के पशु के साथ जा रहा है जो इसको पालता है जिसका दूध निकालता है जिसके दूध को बेच करके अपना अपने बच्चों का अपना भरण पोषण करता है आप उसको एक बड़ी भीड़ आती है और उसकी हत्या कर देती है तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी हैं क्या आपने उनको खारिज किया क्या आपने हत्यारों के खिलाफ मोर्चा खोला आप तो बहुत बड़े संघ हैं आप तो इतनी बड़ी ताकत हैं आपके पास इतनी शाखाएं हैं अपनी शाखाओं को कभी निर्देशित किया कि ये मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए संस्कृति के खिलाफ है आप हत्या की संस्कृति के कैसे खिलाफ नहीं है और अगर हत्या की संस्कृति के आप खिलाफ नहीं है तो आप सांस्कृतिक कैसे हैं अगर आप लव जिहाद आप आप अगर एक लड़का एक लड़की मोहब्बत करते हैं वो शादी करना चाहते हैं चाहे जिस जाति के हों जिस धर्म के हों जिस मजहब के हों जिस राष्ट्रीयता के हों आप उसमें बाधा बनते हैं आप तय तय करने वाले कौन होते हैं कि लड़की किससे मोहब्बत करे किससे शादी करे लड़का किसको चाहे किसको ना चाहे और इस तरह के जो आउटफिट्स हैं जो आपसे आनुषंगिक रूप से जुड़े हुए हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद मैं नाम लेकर कहना चाहूँगा उन्होंने हमारे सामने कई बार टेलीविजन चैनलों की बहसों में साफ साफ उसके प्रवक्ताओं ने कहा है कि हाँ हम नहीं होने देंगे ऐसा तो आखिर जो लफ्जहाद जैसी चीज़ का वो करते हैं पैरोकारी करते हैं आप आप फिर भी कैसे आपको सांस्कृतिक कह सकते हैं मैं तो समझता हूँ कि ये शब्द का अपमान है इ, इ, इस शब्द के साथ जो आप खड़े हैं मुझे लगता है यह शब्द भी शर्मा रहा होगा आप सांस्कृतिक हो ही नहीं सकते अगर आप मनुष्यता के पक्ष में नहीं हैं। संस्कृति मनुष्यता के पक्ष में है संस्कृति समाज के पक्ष में है उसकी उसकी उसकी, उसकी गत्यात्मकता उसकी जो डायनेमिक्स है उसके पक्ष में है वो आगे ले जा ले जाना चाहती है और आप समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं आप मनुस्मृति के दौर में ले जाना चाहते हैं आप उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब लोगों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आज़ादी थी मेरा ये कहना है कि आर कहता है कि वो सांस्कृतिक है लोकतांत्रिक इत्यादि इत्यादि कहने लगे हैं आखिर वजह क्या है ठीक है कि आरएसएस में दलित से लेकर ब्राह्मण तक हर समाज के लोग आए हैं लेकिन वजह क्या है कि आरएसएस की जो टॉप बॉडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण के लोग ज्यादा हैं केवल अपर कास्ट के लोग ही आरएसएस की बॉडी में बहुतायत क्यों हैं? दलित कोई आज तक सरसंघ चालक क्यों नहीं हुआ कोई ओबीसी सरसंघ चालक क्यों नहीं हुआ कोई ट्राइबल क्यों नहीं हुआ कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्यों नहीं हुआ कोई औरत क्यों नहीं हुई कोई महिला क्यों नहीं हुई तो जो भारत के अस्सी फीसदी समाज को रिप्रेजेंट ही नहीं करते अपने नेतृत्व में वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक तीनों हैं मुझे लगता है कि ये गहरा है आरएसएस के सोच में उसकी विचारधारा में उसके दावे में और असलियत के बीच एक जो बड़ी खास बात इस वाले इस व्याख्यान माला में निकली जो ये बोला गया कि हिंदुत्व में आ, मतलब मुसलमानों के बिना कोई नहीं सकता तो इसका नीतार्थ आपके नज़र में क्या है देखिए मुसलमानों और हिंदुओं के रिश्तों को लेकर मुसलमानों के इतिहास को लेकर मुस्लिम वजूद को लेकर आर एस एस अलग अलग भाषा बोलता रहा है अगर आप पिछले मैं बह, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर 20 वर्षों का ही केवल आप देखिए आरएसएस के अपने डॉक्यूमेंट्स तो अजीब अजीब बातें बोलते रहे हैं और जो बोलते रहे हैं उससे भी ज़्यादा करते या कराते रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए जैसे वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो आ, हैं तभी तो हिंदुत्व हिंदू हिंदु, हिंदुत्व है इस तरह की कुछ बात करते हैं कि हिंदुत्व के वजूद को वो कहते हैं कि मुसलमान फिर वो कहते हैं कि मुसलमान वो अलग तो नहीं है सभी हिंदू हैं यहाँ जो भी भारत भूमि रहता है सब हिंदू हैं कुछ ऐसी भी बातें वो कहते हैं भाई हमारा जो मुल्क है ये अलग अलग विचारधाराओं अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों अलग अलग वर्णों के लोग इस देश में रहते हैं और यही इसकी खूबसूरती है और डाइवर्सिटी जो हमारी है उस डाइवर्सिटी को आप नकारते हैं आप सबको एक रंग में ढालना चाहते हैं हमारे यहाँ तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं हिंदू अपने को कहने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग ढंग के लोग हैं कोई कुछ कोई शंकर को पूछता है कोई राम को पूछता है कोई किसी को भी नहीं पूछता है कोई पेड़ पौधों की पूजा करता है सरना सरना आई मीन आदिवासी इलाकों में जाइए सरना देवता है हाँ, हमारे देश की जो बड़ी पॉपुलेशन रही है ट्राइबल्स की वो पेड़ पौधों जंगल पहाड़ को पूजती है आज भी मैं स्वयं एक ट्राइबल इलाके से अभी लौट रहा हूं और वहां के ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं वो वो प्रकृति की पूजा करते हैं तो इतना खूबसूरत देश है इतनी विविधता है और आप विविधता को हटाकर ख़त्म करके आप एक लाठी से सबको भाजना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं है एक आखिरी सवाल उर्मिनेश जी कि 2019 अब बहुत दूर नहीं है तो आ, क्या लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के आपसी रिश्ते और जिस तरीके से 2014 में जाहिर सी बात है कि उन्होंने जम कर बीजेपी के लिए प्रचार किया क्योंकि वो उनके एक राजनीतिक मुखौटा है तो आ, 2019 में क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं जबकि तो ये अपने आप को बहुत नरम एक छवि सामने लाने की कोशिश कर रहे नहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आर का जो वर्धस्त प्राप्त है जिस पार्टी को यानी बीजेपी उस की जो सरकार है बड़े, बड़े 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 दावों के साथ आई थी उसने कहा था कि इस देश को हम स्वर्णिम देश बना देंगे हम उन्होंने तो ये भी कहा था कि सौ दिन में हम ये परिवर्तन दिखाएंगे बहुत सारी बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे क्षेत्रों में लेकिन इतने साल हो गए चुनाव बिल्कुल सामने है बदलाव जो हुए हैं और बुरे के लिए हुए हैं बहुत बुरे के लिए सिर्फ सिर्फ पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ हर क्षेत्र में किसान हो मज़दूर हो आप देखिए यूथ और स्टूडेंट्स की क्या हालत है आप टीचिंग जो कम्युनिटी टीचर कम्युनिटी जो है जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाकर देखिए क्या हाल है अभी सर्जिकल स्ट्राइक को सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक को सेलिब्रेट ही करना है तो आर्मी की जो कमानें हैं कमान जो होती है कमान मुख्यालय या ब्रिगेड हेड क्वार्टर आप वहाँ कराइए ना आप कौन रोक रहा है आपको लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आप टैगोर को सेलिब्रेट करने दीजिए अमर सेन को सेलिब्रेट करने दीजिए आप दुनिया भर के विद्वानों के भाषणों को और उनके लेक्चर्स को उनके जीवन को I mean, आई मीन इतने दुनिया में विद्वान हैं आप मैंने एक एक वैज्ञानिक एक एक सोशल साइंटिस्ट उनके बारे में होने दीजिए ये क्या है मसला कि आप इंपोज किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज पर तो हम एक केवल उदाहरण नहीं ले रहे हैं आप हर क्षेत्र में जाइए किसानों का हाल क्या है किसान त्राहिमाम कर रहा है किसानों की स्थिति यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी अभी लोग जो हैं अपने जानवरों को लेकर इतने परेशान हैं कि लोग न तो व्यापार कर पा रहे हैं ठीक से न तो उनको बेच पा रहे हैं डर के मारे कि पता नहीं कौन गाय ले जाता हुआ किसी को पीट देगा ख़त्म कर डालेगा है? तो ये हाल है अच्छा अभी देखिए वर्किंग क्लास की स्थिति क्या है जो श्रमिक वर्ग है नोटबंदी के बाद जो बेतहाशा लोग गायब आ, 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 उपक्रम बंद हुए थे खासकर छोटे मझोले उपक्रम वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं नौकरी से जो बाहर किए गए उनमें साठ फीसदी से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं कि अभी भी गाँव में अपने इलाकों में हैं वे लौट कर नहीं आए क्योंकि उपक्रम पटरी पर नहीं आए छोटे मोटे जो कल कारखाने थे या जो 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 उपक्रम थे वो वो पटरी पर नहीं लौटे हैं इस बीच में आप देखिए जो महंगाई आई मीन सॉरी डॉलर और रुपए का जो कीमत का मामला है वो इतना भयानक बढ़ गया है कि पूरे मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास को भी प्रभावित कर रहा है तो कुल मिलाकर तबाही का आलम है और इस तबाही के आलम में आरएसएस को यह लगता है कि अगर अपने को बचाना है यानी अपनी जो सत्ता है उसको अगर बचाना है तो हमें कुछ नए शिगुफे छोड़ने पड़ेंगे अब वो वो काम नहीं चलेगा कि भई जो मोदी जी कहा करते थे 2013-14 के बीच में जो जुमले वो उठाते थे उन सारे जुमलों की असलियत सामने आ गई आप नोटबंदी की असलियत सामने आ गई देखिए रफाल डील में क्या क्या सामने आ रहा है तो इतनी सारी चीज़ें हैं फिर वो कहे कि हम दलितों के समर्थक हैं अभी दलितों को मोबलाइज़ करने के लिए लेकिन अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं। शुरुआती दस महीने में योगी सरकार के शुरुआती बहुत दिन हो अब तो 100 से ज्यादा जो लोग गिरफ्तार किए गए थे रासुका में करीब करीब 120 के आसपास उनमें सर्वाधिक दलित थे रासुका में अभी चंद्रशेखर रावण कुछ ही दिन पहले रिहा किए गए हैं जो सहारनपुर वाले मामले में आप जानती हैं अब मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आपसे दुखी ना हो अभी तक आप अपर कास्ट के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते थे आपको लगता था ये आपका ध्वजवाहक है वहाँ भी डिसकंटेंट है नौकरियाँ नहीं हैं लड़के एमबीए करके इंजीनियरिंग करके वो बेकार बैठे हैं छोटी छोटी ऐसी नौकरियां ले रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के आंकड़े आए थे कि एम किए हुए लोग जो हैं प्यून की नौकरी करने के लिए जो खासकर वे एम जो साधारण या मझोले कद के जो संस्थान हैं वहाँ से करके वो प्यून की नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये हालात देश के हैं इस बुरे हालात में इनको ये लगता है कि जब तक हम कुछ और जुमले नहीं फेंकेंगे तब तक मुश्किल होगी तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उसके तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद